फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आप फोम देख रहे हो, इस फोम के हेल्प से ही आपका जो हेलमेट है, इसका जो इंटीरियर है, ये क्लीन होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सब ने ये गौर किया हो कि जैसे जैसे हम इन हेलमेट्स को यूज़ करते जाते हैं, जैसे जैसे हेलमेट्स पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे इन हेलमेट्स का जो इंटीरियर होता है, ठीक है, ये वाला इंटीरियर पोर्शन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाता है, जिसके वजह से इन इंटीरियर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगता है, बहुत ही ख़राब स्मेल आने लगता है, यहाँ पे दाग धब्बे गंदगी सब जमा हो जाती है, जो कि एक तरफ जहाँ हमारी राइडिंग को अनकम्फर्टेबल बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके वजह से बालों में इचिंग होने लगता है, हेड में खुजली वगैरह हो जाता है। तो आगे इस वीडियो में आपको इन हेलमेट्स का जो इंटीरियर है, इसके साथ जो एक्सटीरियर है, इसे क्लीन करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसके बाद अगर आप उसे साफ करने के बाद हेलमेट को अपना स्मेल भी करोगे तो स्मेल बहुत ही बेहतर होगा। तो आगे इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको बहुत सारे बाइक और स्कूटर के यूनिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ यूजलेस होते हैं, जिसके ऊपर मैंने चैनल पर डिटेल वीडियो बनाया है। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन जो आपको यूजफुल बाइक और के प्रोडक्ट एक्सेसरीज मिलते हैं, उसका बाइंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। अब फ्रेंड देखो, हेलमेट के जो इंटीरियर्स होते हैं, ये दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होते इस टाइप के, जहां पे आप इंटीरियर को, ये जो हमारा पोर्शन जो कुशन है, इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, वहीं दूसरे इस टाइप के होते हैं जहां पे आप इंटीरियर को निकाल सकते हो। देखो, साफ करने का दो अलग अलग तरीका है। एक तो हमारा देसी जुगाड़, यहां पे हम क्या करते हैं कि हम खुद से चाहे तो जो हेलमेट का इंटीरियर है इसे बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद घर में ही आराम से आप सर्फ वगैरह से धो के सुखा के उसके वापस लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एक तरफ जहां हर हेलमेट में इस तरह का फैसिलिटी होता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बहुत लोगों को इसका आइडिया नहीं होता कि कैसे निकालना है और उसके बाद कैसे अच्छी तरह से फिक्स करना है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं। ये है वो प्रोडक्ट जो कि है विस्ता हेलमेट क्लीन इंटीरियर क्लीनर। ये स्पेशली जो हमारे हेलमेट के इंटीरियर है, इसे क्लीन करने के लिए बनाया गया है। वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, मार्केट में आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के इस तरह के हेलमेट के इंटीरियर क्लीनर मिल जाते हैं, तो आप चाहे उन्हें भी खरीद सकते हो। वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्राइस मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। अब इसे कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब ये वाला जो हेलमेट है, ये मैं पिछले काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, आप खुद भी यहाँ पे अंदर पे देख लो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी वगैरह है, ठीक है, स्टेन वगैरह है, वो जमा हो गया है। अब इसे यूज़ करने के लिए हमें सिंपली करना क्या होता है कि ये जो हमारा इंटीरियर क्लीनर है, इसे यूज़ करने से पहले हमें अच्छी तरह से इसे शेक कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे अच्छी तरह से शेक कर ले, और ये फोम बेस्ड है, तो सिंपली करना ये होता है कि जस्ट हमारा जो इंटीरियर है यहाँ पे, इस इंटीरियर में इस फोम को अच्छी तरह से, आपको देखो देखो ये फोम निकल रहा है, ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से आपको यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसे अच्छी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, स्प्रे कर दो। तो ये मैंने सारा जो फोम है यहाँ पे स्प्रे कर दिया है। स्प्रे करने के बाद आपको ये करना है कि उसके बाद आपको कोई भी कपड़ा लेके या फिर इस तरह से अगर ग्लव्स वगैरह तो अच्छी बात है, ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पे वाइडली आपको यहाँ पे स्प्रेड कर देना है ताकि सारे पोर्शन में अच्छी तरह से लग जाए, ठीक है। एज़ पर रिक्वायरमेंट आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी यहाँ पे, जितना आपको ठीक लगे उतना क्या करो यहाँ पे इसे वाइड कर दो, ठीक है, इसे अच्छी तरह से फैला दो। तो मैं कुछ और लेके देखो, मैंने यहाँ पे ये अच्छी तरह से ऑलमोस्ट सारे पोर्शन हैं, इंटर पोर्शन है यहाँ पे ये लग चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जस्ट 2 से लेकर 3 मिनट तक वेट करना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप इस तरह का कोई माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके, या इस तरह का अगर आपको कोई ग्लव्स है वो लेके, या नॉर्मल घर में जो कपड़ा होता है कॉटन का क्लोन गपछा वगैरह उससे लेके, जस्ट करना ये है कि अच्छी तरह से जो इंटीरियर है इसे साफ कर देना, इसे वाइप कर देना है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, इसे वाइप कर देता हूँ। तो आप देखो कि इंटीरियर कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, साफ हो गया है, साथ ही इसमें कोई भी तामझाम नहीं है कि भाई इस पैडिंग को हटाओ, सब कोई चक्कर नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है ये। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है, जैसे पहले ख़राब खुशबू आ रहा था वो नहीं, दुर्गंध नहीं आ रहा है, तो इसका जो खुशबू है ये भी अच्छा है। और ये थोड़ा बहुत वेट तो हो जाता है, तो 5-10 मिनट ही लगेगा, ठीक है, 5-10 मिनट में क्या कि आप धूप में दिखा दो, या धूप नहीं है तो घर में भी पंखा के नीचे डाल दो 5-10 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, हेलमेट को बाहर से क्लीन करने के लिए सेम उसी तरह से आपको करना क्या है कि भाई हेलमेट में बाहर से अच्छी तरह से आप यहाँ पे, और आप वाइजर में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो इस तरह से अच्छी तरह स्प्रे कर दो, देन इसे अच्छी तरह से जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इस तरह से आप एक तरह से धोने का ही काम हो रहा है, तो आप इस तरह से यहाँ पे स्प्रेड कर दो, देन आपको सेम उसी तरह से 2 से 3 मिनट तक वेट करना है। इसके बाद हेलमेट को अच्छी तरह से आप क्या करो, कोई भी कपड़ा लेके पोंछ दो बढ़िया तरीके से।
फर्क आपको साफ दिखाई देगा कि इसका जो बाहर से एक्सटीरियर जो है ये अच्छी तरह से बिल्कुल वाइजर वगैरह भी आप देख लो ये अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो प्रोडक्ट ये काफ़ी यूजफुल है, इससे आप अपना चाहे फुल फेस हेलमेट हो चाहे हाफ फेस हेलमेट हो वहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी टू यूज़ है तो बहुत टाइम भी नहीं लगता है और इसकी जो खुशबू निकल कर आती है वो भी बहुत अच्छी होती है जो कि बहुत हद तक आपकी राइडिंग को भी कंफर्टेबल बनाने वाले है। प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 190 रुपये। इसका जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इसे खरीद सकते हो। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।